हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं टेक एंड ट्रैवल बी में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि मार्च के मंथ में ये जो मेरे पास दो सोलर पैनल हैं, पहला है लूम सोलर का 375 वाट मोनो पार्क टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सोलर पैनल और दूसरा है ल्यूमिनस का, तो इन दोनों सोलर पैनल से कितना लोड हम ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब कि रनिंग लोड कितना हम डायरेक्टली सोलर पैनल से चला सकते हैं, बैटरी कंज्यूम ना हो और डायरेक्ट जितना भी वॉटेज सोलर पैनल बना रहे हैं उनसे जो लोड चल रहा है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो ओवरऑल जो इन सोलर पैनल का वॉटेज है 745 वॉट है और फ्रेंड्स, इस वॉट से कितना लोड हम ऑपरेट कर सकते हैं डायरेक्टली सोलर पैनल से, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौसम नीट एंड क्लियर है, सनलाइट कम्प्लीटली अवेलेबल है और आज है 6 मार्च 2021 और टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, सनलाइट इजली अवेलेबल है और यहाँ पर यह मेरे सोलर पैनल है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं कि यह सोलर पैनल कितना वॉटेज प्रोड्यूस कर रहे हैं और इनसे क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं, मतलब डायरेक्टली कहने का मतलब है कि बैटरी चार्ज ना हो, जितना भी सनलाइट यह सोलर पैनल जितना भी वॉटेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सभी से कितना लोड चल सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक यह एलईडी चल रही है, फ्लिप्स की 8.5 वॉट की यह एलईडी है और अभी जैसा कि आपने अभी टाइमिंग देख ही लिया होगा, अभी 12:15 हुआ है, 12:15 PM, तो यहाँ पर दोपहर का टाइम है और यह पीक आवर कहलाता है सोलर पैनल के लिए। और यहाँ पर देखिए, जो मेरे दोनों सोलर पैनल हैं इनका वॉटेज 745 वॉट है। तो देखिए, यहाँ पर मैं अभी लाइट को ऑफ कर दे रहा हूँ जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, यानी कि अभी जितनी भी पावर इस इन्वर्टर में आ रही है वह सोलर से ही आ रही है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, आपको पता लग जाएगा कि यह सोलर पैनल आपको परचेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। देखिए, अभी सोलर पैनल से 1.3 एम्पियर मात्र आ रहा है और वोल्टेज है 43.5। तो देखिए, अभी तो बहुत ज़्यादा कम पावर आ रहा है सोलर पैनल से और यहाँ पर बैटरी फुल चार्ज है। तो देखिए, मेंस अभी एब्सेंट है। देखिए, कई जो ग्राहक हैं उनको काफ़ी शिकायत रहती है कि मैंने तो पैनल तो 1000 वाट के लगाए हुए हैं लेकिन एम्पियर मात्र कम आ रहा है, 1 से 2 एम्पियर आ रहा है। जब फ्रेंड्स, जब आप इस पर लोड अप्लाई करेंगे तभी इस पर एम्पियर इंक्रीज होंगे, जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं अभी 12:15 हुए हैं, देखिए मैंने एक एलईडी लाइट ऑन की है 10 वॉट्स की, और यहाँ पर देखिए फैन भी अभी मैंने ऑन किया है और ये सारे जो फैन हैं ये 75 वाट के हैं सारे के सारे फैन। और यहाँ पर 12 वाट की एक और एलईडी मैंने ऑन की है और यहाँ पर एक और मैं लाइट और फैन ऑन करूँगा। देखिए, यहाँ पर यह फैन भी ऑन किया है और यह 8.5 वाट की एलईडी है और यह फैन है 75 वाट का और यहाँ पर मैं अब फ्रेंड देखते हैं कि इसमें कितने एम्पियर बढ़े हैं। देखिए फ्रेंड्स, एम्पियर बढ़ जाएंगे तो आपका इन्वर्टर भी देखिए ठीक काम करता है, सोलर पैनल भी ठीक काम करता है। जैसे ही आप लोड अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर 9.3 एम्पियर अभी हो गए, तो हमें तो मैक्सिमम एम्पियर देखने हैं कि इन सोलर पैनल से मैक्सिमम एम्पियर कितना जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक फ़ैन ऑन और ऑन करूँगा और यहाँ पर एक एलईडी बल्ब जो कि 10 वॉट्स का है एक और ऑन कर दिया
देखिए यहाँ पर 13.7 एम्पियर अभी हो गए, तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम एम्पियर देखने हैं सोलर पैनल से। तो यहाँ पर मैं एक और फैन अभी ऑन करूँगा जो कि 80 वॉट का है। देखिए यहाँ पर एक और मैंने फैन ऑन कर दिया, तो यानी कि अभी टोटल 5 फैन ऑन है। और ओवरऑल लास्ट में मैं इनमें क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं वो सब बताऊंगा कि कितने फ़ैन, कितने LEDs, ये सारे चल सकते हैं UTL गामा प्लस से। देखिए यहाँ पर अभी जो एम्पियर आ रहे हैं सोलर पैनल से वह 16.4 एम्पियर हैं। देखिए अभी जो वोल्टेज आ रहे हैं सोलर पैनल से वह 33 वोल्टेज हैं, 48% अभी लोड है, 49 हो गया, 48% अभी हम लोड मान सकते हैं। और ये बैटरी के वोल्टेज हैं, देखिए बैटरी बहुत ही कम एम्पियर से ड्रेन हो रही है, लगभग नाम मात्र के एम्पियर से। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना सोलर पैनल से वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे के सारे लोड को ऑपरेट करने में ही यूज़ हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 16.4 एम्पियर अभी पावर प्रोड्यूस हो रही है और जो वोल्टेज हैं वह 33 वोल्ट हैं, इसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम इस समय इसकी वोल्टेज को कैलकुलेट करें, देखिए अभी बैटरी भी 0.3 एम्पियर से बैटरी में जा रहे हैं, यानी कि एक हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम है कि बैटरी से ना ही करंट लिया जा रहा है ना दिया जा रहा है। तो जितना भी वोल्टेज सोलर पैनल से आ रहा है वो सब यूज़ हो रहा है अप्लायंसेस ऑपरेट होने में। अब देखिए कितना वाटेज प्रोड्यूस कर रहे हैं इस समय सोलर पैनल, तो अगर हम 16.4 एम्पियर को मल्टीप्लाई करेंगे 33 वोल्ट से तो ओवरऑल जो वाटेज होगा 541.2 वाटेज इस समय सोलर पैनल से प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इस समय इस सोलर पैनल से कितना लोड चल रहा है यह भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इतने फैन, इतनी LED और जो टोटल वॉटेज होगा अप्लायंसेस का वो भी नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस समय सोलर पैनल जो वॉटेज जनरेट कर रहे हैं उनसे इतना अप्लायंसेस चल सकते हैं। अभी मैं इनको ऑफ करता हूं और फिर हम देखेंगे UTL गामा प्लस की डिस्प्ले में, हम देखेंगे कि कितने एम्पियर रह गए। तो देखिए अभी मैं सभी फैन को अभी ऑफ करता हूं। और यह क्वेश्चन काफ़ी मेरे पास आया हुआ है कि जिनके यहाँ इन्वर्टर लगा होता है वो यही सोचते हैं कि सोलर पैनल काफ़ी कम एम्पियर जनरेट कर रहा है, और ऊपर भी एक फ़ैन चल रहा है जो कि 80 वाट का है, उसको ही मैं ऑफ करता हूँ। और उसके बाद हम देखेंगे कि डिस्प्ले में कितने एम्पियर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस फैन को भी मैंने ऑफ कर दिया। तो अभी हम फ्रेंड्स देखेंगे कि कितने एम्पियर शो हो रहे हैं UTL गामा प्लस के डिस्प्ले में। तो देखिए यहाँ पर जो डिस्प्ले में, देखिए 0% अभी लोड हो गया है, सारे फैन मैंने ऑफ किए हैं। और यहाँ पर देखिए 2.1 एम्पियर हो गया, तो यानी कि आपके सोलर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यह जस्ट लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप लोड ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो इसमें एम्पियर शो होंगे। देखिए वोल्टेज बढ़ गए 43.6। और फ्रेंड्स सोलर से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट सोलर सिस्टम के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।